मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग यहाँ पे जिस टॉपिक के ऊपर, जिस चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं, हमारा सेमीकंडक्टर है। और इस चैप्टर में मैं काफी डिटेल में नहीं बात करने वाला हूँ, और इसमें बेसिकली मैं आपको एक फास्ट कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी की पॉइंट्स को और की कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज भी कर सकें, और जैसा भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसे सॉल्व भी कर सकें। राइट, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपका कंप्यूटर हो जाए, लैपटॉप हो जाए, आपका मोबाइल हो जाए, आपका टीवी हो जाए, सब में बेसिकली जो है ट्रांजिस्टर की जरूरत पड़ती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई कि कंप्यूटर में जो होता है, यहाँ पे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, एंड अल्टीमेटली वो जिस मटेरियल के ऊपर काम करते हैं वो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। राइट, तो इसकी काफी काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन है, साइंस में काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक रिसर्च का ये बहुत बड़ा पार्ट है सेमीकंडक्टर, एंड इसके टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन जो है बहुत बहुत ज्यादा है। राइट, तो जितने भी हार्डवेयर देखते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, सब में अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे कि अब हम लोग बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होता क्या है। एक्चुअली जो है जितने भी तरह के मटेरियल्स हैं उसको ब्रॉडली हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, तीन पार्ट में या तीन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या, रेसिस्टिविटी के बेसिस पे हम लोग मेटेरियल को डिवाइड करते हैं यहाँ पे तीन कैटेगरी में। एक तो आपका होता है यहाँ पे कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा हो गया इंसुलेटर। जैसा कि नाम से क्लियर है सेमीकंडक्टर, एक्चुअली इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो आपका इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बीच में होती है। कंडक्टर की जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब रेसिस्टिविटी यहाँ पे कम होती है। सेमीकंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी है वो आपका कंडक्टर से जो होती है ज्यादा होती है, बट कंडक्टिविटी उससे कम होती है। इंसुलेटर की जो रेसिस्टिविटी वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये आपका बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको मैंने बताया कि किस तरह से डिवाइड किया जा सकता है मटेरियल को, तो मैंने वो लिख भी रखा है। देखिए यहां पे कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की या कंडक्टर की रेसिस्टिविटी, रो यहां पे रेसिस्टिविटी है जिसका यूनिट आपको पता है कि ओम मीटर होता है। जो मेटल्स की रेसिस्टिविटी होती है 10^-2 ओम मीटर से लेकर 10^-8 ओम मीटर तक होती है, 10^-2 से लेके 10^-8 ओम मीटर। दिस वाज द रेसिस्टिविटी ऑफ द बेसिकली मेटल और कंडक्टर कहते हैं। अब यहां पे यदि कंडक्टिविटी निकालना है तो आपको क्या करना है, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ यूज कर लीजिए, उससे आपको कंडक्टिविटी का पता चल जाएगा कि किस रेंज में कंडक्टिविटी आपकी मेटल या कंडक्टर की हो सकती है। सेमी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो मेटल से ज्यादा होती है, और कहें तो कंडक्टिविटी कम होती है। तो सेमी कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है वो 10^-5 ओम मीटर से लेके 10^6 ओम मीटर तक होती है। इंसुलेटर की देख रहे हैं रेसिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, मतलब कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, और रेसिस्टिविटी आपको दिख रहा है कि 10^11 ओम मीटर से लेके 10^19 ओम मीटर तक होती है। राइट, तो ये पॉइंट यहां पे हो गया, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जब कि क्वांटम मैकेनिक्स की जब डेवलपमेंट हो गई अराउंड 1930 के आसपास कह सकते हैं, उस समय क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट काफी हद तक हो गई थी, जिसके बेसिस पे हमें एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ समझ में आना शुरू हो गया था। तो उसके बेसिस पे जब क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट, उसके बेसिस पे मेटेरियल को कैटेगराइज किया गया, मेटेरियल क्लासिफाइड किया गया, और वो जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया था वो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड था। तो मैं इसमें काफी बिल्कुल डिटेल में नहीं जाने वाला हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे कैसे बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड की डेवलपमेंट हुई है। राइट, तो केवल बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड के बेसिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई किया गया मटेरियल को। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे एक बैलेंस बैंड होती है, एक कंडक्शन बैंड होती है। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में यदि जो गैप होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बैंड गैप या एनर्जी गैप, वो यदि नेग्लिजिबल हो या दोनों ओवरलैप कर जाए, बहुत ही कम बेसिकली दोनों के बीच में गैपिंग होती है, तो या दोनों ओवरलैप भी कर जाती, तो हम लोग कहते हैं कि जो मटेरियल इस तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग कहते हैं मेटल्स। मतलब हो गया कि मेटल या कंडक्टर के केस में
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है, दैट इज नोन एज एनर्जी गैप या बैंड गैप, उसकी वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। वहीं पे आपका सेमीकंडक्टर के केस में जो ये गैप होता है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसकी वैल्यू जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। जैसे सिलिकन है, सिलिकन की आपकी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बैंड गैप या एनर्जी गैप हम लोग कहते हैं, और वहीं पे जर्मेनियम की 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, राइट। वहीं पे इंसुलेटर का जब बात करते हैं तो इंसुलेटर की जो बैंड गैप या एनर्जी गैप होती है बिटवीन द बेसिकली वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये आप लेके चलें कि जनरली हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब ज्यादा होती है तो हम लोग कहते हैं कि वो बेसिकली इंसुलेटर है, राइट। लिख रखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बैंड व्हिच इज द बेसिकली व्हिच इज दिस कॉन्सेप्ट इज अराइज ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसके बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है कंडक्शन बैंड और वैलेंस। जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी बढ़ती चली जाती है, ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ती है, तो उसी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप नेग्लिजिबली स्मॉल है। मैं गैप दिखा रखा हूं बस, लेकिन ये गैप जो है बहुत बहुत कम होती है, या कहें दोनों ओवरलैप कर जाती है। तो जब ऐसा होता है तो इस तरह का मेटेरियल बेसिकली मेटल या कंडक्टर के बारे में बात करता है। जब यहाँ पे मेटल या कंडक्टर में ऐसा होता है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं जिसमें कि बैंड गैप या एनर्जी गैप जो है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो ये जो है आपका यहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए होता है। और जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप जनरली 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है तो हम लोग कहते हैं कि बेसिकली उस तरह का मेटेरियल यहाँ पे इंसुलेटर है। तो इसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि भाई कि किस तरीके से दोनों तरह के तीनों तरह का मेटेरियल को हम लोग कोई भी मेटेरियल को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, और दूसरा हमारा मॉडर्न थ्योरी जो क्वांटम मैकेनिक्स है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, उसके बेसिस पे किसी मेटेरियल को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरी में। वन इज द कंडक्टर, सेकंड वन इज द सेमीकंडक्टर, थर्ड वन इज द इंसुलेटर। लेकिन हमारा इस चैप्टर में कंप्लीट डिस्कशन जो रहेगा वो केवल और केवल सेमीकंडक्टर के ऊपर रहेगा, और हम लोग अब बात करेंगे प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में, इम्प्योर सेमीकंडक्टर या कहें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे प्योर सेमीकंडक्टर, या कहें उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ये होते हैं, राइट। तो और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक्सट्रिंसिक या कहें डोप्ड सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आगे हमारा डिस्कशन होगा पीएन जंक्शन या डायोड के ऊपर डिस्कशन होगा, फिर डायोड की एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रांजिस्टर के ऊपर, एंड देन डिजिटल सर्किट। ये सारी बातें यहाँ पे आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे जो है हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, वन इज द प्योर सेमीकंडक्टर एंड अनदर वन इज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पीछे जो डिस्कस कर रहे थे वो ये था कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये तीन जनरली जितने मटेरियल्स हैं उसको 3 क्लासिफिकेशन करी जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, इन मटेरियल को कैसे क्लासिफाई किया गया उसके ऊपर बात हो गई थी। अब हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं वो प्योर सेमीकंडक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। प्योर सेमीकंडक्टर कहिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहिए, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहिए, इनके ऊपर बात कर रहे हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दो बेसिकली प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का, जैसा कि पिछले सेशन में भी और पीछे भी मैंने बता रखा डिस्कस कर रखा है कि भाई कि सिलिकॉन का जो आपका बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, वहीं पे जर्मेनियम का 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि भाई कि एलिमेंटल सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे 0 केल्विन पे क्या होता है कि इस तरह के मटेरियल का जो मैं बात कर रहा हूं, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम का, उसका जो वैलेंस बैंड होता है कंप्लीटली फिल्ड होता है, और कंडक्शन बैंड में कोई भी बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता, वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है। तो 0 केल्विन पे एक्चुअली जो है प्योर सेमीकंडक्टर एक इंसुलेटर है,
राइट ये जो आप देख रहे हैं ये आप बेसिकली जीरो केल्विन पे एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर है प्योर सिलिकन या प्योर जर्मेनियम की बात करें राइट तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एम्प्टी कंडक्शन बैंड आपको दिख रहा है। तो अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो इनफैक्ट कोई जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है डेट मीन्स यहाँ पे बेसिकली आप कहें कि चार्ज कैरियर ही नहीं है तो इसका तो कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी और यदि कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी तो डेट मीन्स इट इज द बेसिकली इंसुलेटर राइट। तो जीरो केल्विन पे प्योर सेमीकंडक्टर आपका एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो यहां पे ये बात हो गई। अब क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे आप जीरो केल्विन से आप ऊपर लेके जाएंगे तो ड्यू टू द थर्मल एनर्जी यहां पे जो वैलेंस बैंड में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे रहते हैं वो डिसोसिएट होते हैं और वो डिसोसिएट होकर के वो जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। ये कर गए यहां पे तो अब आपके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है जो कि पहले बिल्कुल कंडक्शन बैंड में कंप्लीटली एम्प्टी था कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था अब कंडक्शन बैंड में यहां पे चार्ज कैरियर आना शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन्स आना शुरू हो गया जहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली मूव कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो बट एंड ऑब्वियस है ये कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी हमारे को मिलना शुरू हो जाएगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अप्लाई करूंगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि जो इसका ये इलेक्ट्रॉन्स है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा ड्रिफ्ट करना शुरू कर देगा जिसकी वजह से हमारे को बेसिकली करंट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात यहां पे ये भी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहां पे इस जगह से वैलेंस बैंड से डिसोसिएट होकर कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो वैलेंस बैंड में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है। उस एम्प्टी स्पेस वो एम्प्टी स्पेस भी बेसिकली मूव करता है और ये एम्प्टी स्पेस जो मूव करता है वो आपका जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करता है उसके ठीक अपोजिट। देखिए मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है इस मेटल में इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग मैंने इधर दिखा रखी है। देखिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट मैंने दिखा रखी है तो जो ये आपका होल्स है जो एक एम्प्टी स्पेस है विच कैन बी ट्रीटेड एज द पॉजिटिव चार्ज एज्यूम टू बी है नहीं बेसिकली एज्यूम टू बी पॉजिटिव चार्ज हम लोग ले लेते हैं यहां पे वो बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करना शुरू कर देता है ड्रिफ्टिंग होती है उसकी। इसका मतलब यहां पे एक तरह से जो कंडक्टिविटी में सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी में दो चार्ज कैरियर यहां पे पार्टिसिपेट करती है एक तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है और दूसरा आपका यहां पे होल्स जो एम्प्टी स्पेस है उसका नाम हम लोग देते हैं होल्स वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं फॉर द कंडक्शन प्रोसेस इन द सेमीकंडक्टर। और यही डिफरेंस है यहाँ पे मेटल में जो चार्ज कैरियर होता है जिसकी वजह से हमारे को कंडक्टिविटी मिलती है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोलाइट होती है उसमें केटायंस एंड एनायंस होते हैं वहीं पे सेमीकंडक्टर में जिसकी वजह से हमारे को कंडक्टिविटी मिलती है वो एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और दूसरा होल्स होता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर्स ड्यू टू विच द कंडक्टिविटी विल अराइज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। और चूंकि ये थर्मल इनर्जी से यहां पे जेनरेट हुए हैं तो हम लोग इसको थर्मली जेनरेटेड चार्ज कैरियर कहते हैं। समझ रहे बात को थर्मली जेनरेटेड चार्ज कैरियर राइट। अब मुझे आप ये बताइए कि यदि एक इलेक्ट्रॉन यहां से वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ एक इलेक्ट्रॉन और एक होल हुआ या नहीं हो बताइए यहां पे कि यहां पे यदि थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है कि यहां से वैलेंस बैंड से डिसोसिएट होकर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर गया तो वन इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ वन होल क्रिएट हुआ। इसका मतलब हो गया कि प्योर सेमीकंडक्टर केस में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम उतने ही नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम होंगे। दैट मींस एन आई और पी आई की वैल्यू एन इज स्टैंड फॉर द नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए आई फॉर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो एन आई हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स मतलब पॉजिटिव के लिए नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट मींस यदि प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की होगी वही चार्ज कैरियर डेंसिटी यहां पे होल्स की होगी। ये बात क्लियर होगी आपको। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि इसका मतलब टेम्परेचर यदि बढ़ा रहे हैं तो हमारे को जितना चाहे उतना इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा यहां पे जितना चाहे वैलेंस बैंड में जितना चाहे उतना होल्स मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब इनफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आ जाता है तो वो भी आपस में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब से एनर्जी कोलिजन की वजह से जिस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है इतनी ज्यादा नहीं होती है जो कि कंडक्शन बैंड में रह पाए तो वो जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड में और किसी न किसी होल्स के साथ वो रिकम्बाइन कर जाते हैं।
किसी न किसी होल्स के साथ वो रिकम्बाइन कर जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप यदि रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो दो चीजें हो रही होती हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, एक तो हो रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर जनरेट भी हो रहा होता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और दूसरा एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो रिकम्बाइन भी हो रहा होता है। और एक इक्विलिब्रियम होता है किसी भी टेम्परेचर पे, जिसमें हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जितना यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा ड्यू टू द थर्मल एनर्जी उतना ही बेसिकली रिकम्बाइन हो जाता है। इसीलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है होल्स की डेंसिटी कॉन्स्टेंट रह जाती है, और यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे को बेसिकली काफी ज्यादा कंडक्टिविटी मिल जाती है, क्योंकि कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन होल पे ड्यू टू थर्मल एनर्जी क्या होगी डेवलप होती चली जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर देयर विल बी द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब यहां पर यह कि रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, ड्यू टू विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट ए गिवन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट आ जाती है और दोनों आपस में इक्वल होती है। यह होता है यहां पे प्योर सेमीकंडक्टर का। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कंडक्टिविटी एराइज होता है एक बात राइट। तो यहां पे अब तक जो मैंने बात करा वो समझिए बात को, जीरो केल्विन पे सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली प्योरली इंसुलेटर है, पता है उसकी कंडक्टिविटी जीरो केल्विन पे जीरो के इक्वल होती है। अब क्यों होती है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है और वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड रहता है और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी रहता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर राइट। और धीरे धीरे करके टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बेसिकली बढ़ता चला जाएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा बेसिकली यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है मतलब चार्ज कैरियर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन वहीं पे मेटल या कंडक्टर में क्या होता है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। और इसकी वजह क्या है, मैं पहले ही बता चुका हूं, एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज द चार्ज कैरियर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर या कहें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी या होल्स की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी राइट। ये वाली बात है। अब देखिए अगला पॉइंट मैंने ये भी डिस्कस किया कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम एक प्योर सेमीकंडक्टर में कांस्टेंट हो जाती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एट द सेम टाइम क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी हो रहा होता है और रिकम्बिनेशन भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर का हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से जो बातें मैंने आपको समझाया वो डेफिनेटली क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बेसिकली प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी एराइज होती है राइट। दूसरी बात आप देखिए यहां पर कि कंडक्टिविटी क्या लिखते हैं। कंडक्टिविटी आपको पता ही कि सिग्मा होता है एन ई म्यू, एन होता है नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, ई होता है उसकी चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले लेते हैं, अब म्यू होता है मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर राइट। तो यहां पे जो कंडक्टिविटी होगी वो दोनों की वजह से होगी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगी और होल्स की वजह से भी होगी। तो दोनों का अल्जेब्रिकली क्या कर देंगे, सिंपली एड कर देंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू एनआई ई म्यू ई, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द प्योर सेमीकंडक्टर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि 1.6 इनटू 10⁻¹⁹ कूलम्ब है, अ म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्लस पीआई नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, होल्स पे वही ई ही लेते हैं, अब प्यू म्यू पी यहां पे है मोबिलिटी ऑफ द होल्स राइट। अब हमने क्या किया, एनआई और पीआई आपस में इक्वल होता है, तो मैंने और आप भी कर सकते हैं ये कि पीआई की जगह मैं एनआई रख देता हूं और फिर एनआई और ई कॉमन लेने के बाद आपकी कंडक्टिविटी क्या आ जाएगी, एनआई इंटू ई इंटू ब्रैकेट में म्यू ई प्लस म्यू पी। तो दिस वन इज द कंडक्टिविटी, दिस वन इज द ये जो है बेसिकली कंडक्टिविटी है आपका प्योर सेमीकंडक्टर के केस में राइट। अब दिक्कत यह है यहां पे कि यह देखा जाता है कि रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि हमारा सारा काम एक्चुअली रूम टेम्परेचर पे होना है,
अब तो ऐसा नहीं है ना कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाऊं, रूम टेम्परेचर 20 25 30 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनना चाहिए, 30 35 तक बनना चाहिए, राइट। तो उतने टेम्परेचर पे हमारे को इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की डेंसिटी नहीं मिल पाती है जिससे कि इनफ कंडक्टिविटी आए प्योर सेमीकंडक्टर में, जितनी डिजायर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी हमारे को जरूरत है कंडक्टिविटी की एट रूम टेम्परेचर, हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर से लेके नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी हमारे को मिल नहीं पाती है, एनआई और पीआई की वैल्यू इतनी ज्यादा होती नहीं है, राइट। तो कंडक्टिविटी तो होती है बट एनफ कंडक्टिविटी हमारे को नहीं मिल पाती है, इसलिए अब हमारे को कंडक्टिविटी यदि इंक्रीज कराना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के मटेरियल को जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको हम लोग डोपिंग कर देते हैं। अब डोपिंग का मतलब देखिए, जैसे प्लेयर वगैरह क्या करते हैं, प्लेयर का सुनते हैं कि कोई प्लेयर भाई डोपिंग में पकड़ा गया, उसमें वो क्या करता है कि भाई कि प्लेयर करते क्या है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपने पावर को बढ़ाने के लिए कुछ दवाई खा लेते हैं, ड्रग्स ले लेते हैं, जिससे कि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी टाइम बींग के लिए यूज करते हैं और वो मेडल वगैरह जीत के ले आते हैं। तो ये होता है डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या हो गया कि यदि आप अपनी एनर्जी को और एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फॉरेन एलिमेंट्स लेते हैं, अपने बॉडी के अंदर फॉरेन एलिमेंट्स इंप्यूरिटी डाल लेते हैं जिससे कि आपकी एफिशिएंसी टाइमिंग के लिए बढ़ जाती है। बिल्कुल वैसा ही मतलब यहां पे है। अब मैं इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहता हूं, प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को, तो मैं क्या करूंगा कि फॉरेन एलिमेंट्स को इसके अंदर डालूंगा, इंप्यूरिटी मिक्स करूंगा और इंप्यूरिटी मिक्स करके मैं इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराऊंगा प्योर सेमीकंडक्टर के। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग, और ऐसा सेमीकंडक्टर जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर, या कहते हैं इंप्योर सेमीकंडक्टर, या कहते हैं हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं या कहें डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, वो इस बात पर डिसाइड होता है कि हम लोग किस मटेरियल को मिक्स करने जा रहे हैं एज द इंप्यूरिटी। अब यदि आप ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को, फास्फोरस को मिक्स करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के साथ ग्रुप 15, तो उस केस में हमारे को जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, और यदि आप ग्रुप 13 के एलिमेंट को मिक्स करते हैं तो हमारे को यहां पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है। तो अब हम लोग आगे इसी बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर हम लोग आगे अब डिस्कस करते हैं इंप्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या कहें एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में, राइट। तो डेफिनेटली आपको ये पूरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, तो सेशन यदि पसंद आ रहा है तो आप जरूर से लाइक कीजिए लेक्चर को और अच्छे अच्छे कमेंट प्लेस कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए जितना बता सकते हैं, ताकि हमारे काम से उनको भी बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, पिछले सेशन में हम लोग जो बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर के ऊपर, और उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमने अब तक जो बात करा वो ये था कि मटेरियल्स को, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं, वो किस तरीके से क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, राइट। उसके बाद हमने बात डिस्कशन करी थी कि पी टाइप, उसके बाद हमने ये डिस्कस करा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम में, उसमें कंडक्टिविटी की के ऊपर हमने डिस्कस करा था। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि सिलिकॉन जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर है वो इनफ कंडक्टिविटी दे नहीं पाती है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि हमारे को जितनी डिजायर्ड कंडक्टिविटी की जरूरत है उसके लिए हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी मिलाते हैं, राइट। और इंप्यूरिटी मिलाने का मतलब क्या है, इसको हम लोग कहते हैं डोपिंग, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेयर के बारे में जैसे बात करें कि भाई कि प्लेयर जो है अपने डोपिंग में पकड़े जाते हैं, क्यों पकड़े जाते हैं, क्योंकि यदि वो अपने एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं ड्यूरिंग द बेसिकली
स्पोर्ट्स इवेंट्स में, तो करते क्या है कि एक कुछ ड्रग्स ले लेते हैं, ड्रग्स लेकर के मतलब अपने बॉडी को डोप करते हैं, जिससे कि उनकी टाइम बीइंग के लिए एफिशिएंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये समझिए, यदि हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर में, दैट मीन सिलिकॉन जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, उसमें हम लोग फॉरेन एटम्स को मिक्स करते हैं, इंप्यूरिटी डालते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग। और ऐसा जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जो आपका फॉरेन एटम्स है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली impurity, they are known as dopant, right? तो ये वाली बात है। अब ये क्यों करा जाता है? इसलिए करा जाता है कि desired conductivity जो चाहिए, जिसकी requirement है जितनी conductivity की, उतनी conductivity मिल जाए। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो इस तरह से बनते हैं सेमीकंडक्टर, उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आपका डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं, इसको हम लोग यहां पे इंप्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, राइट? मतलब क्या हो गया फाइनली कि टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द प्योर सेमीकंडक्टर वी हैव टू मिक्स द इंप्यूरिटी इन टू द प्योर सेमीकंडक्टर, राइट? तो उससे जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसी को हम लोग इंप्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब बात आती है कि यहां पे इंप्यूरिटी कौन होना चाहिए। तो इंप्यूरिटी जो होती है या तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को, जिसको हम लोग पेंटावेलेंट भी कहते हैं, जो पहले ग्रुप 5 एलिमेंट्स कहलाता था, दैट मीन्स ग्रुप 15 में कौन कौन आता है बताइए, फास्फोरस आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, एंटीमनी आ जाते हैं, वगैरह ये सब आ जाते हैं, या तो आप इसको मिला दीजिए ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को, या फिर आप ग्रुप 13 जो कि ग्रुप 3 एलिमेंट्स भी पहले कहा जाता था, ट्राइवेलेंट कहते हैं इसको, लाइक जैसे एल्युमिनियम, बोरोन, इंडियम, इनको आप मिला सकते हैं, राइट? तो इंप्यूरिटी जो है दो तरह के आप मिला सकते हैं, आप या तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को बना सकते हैं या ग्रुप 13 को। यदि आप ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मिलाते हैं एज द इंप्यूरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर, तो उस केस में हमारे को बेसिकली जो मिलता है वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलता है, क्योंकि ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मिलाने से हमारे को जो एक्सेस चार्ज कैरियर मिलता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स होता है। That's why it is named as the N-type semiconductor. N मतलब negative, तो N-type semiconductor. तो इससे आप ये समझेंगे कि जहां पे N-type semiconductor बोल दिया गया उसके मतलब हो गया कि वहां पे negative charges, that means electrons basically काफी काफी ज्यादा है। That means N-type semiconductor में कहा जाता है या कहते हैं हम लोग कि majority charge carrier जो होगा वो electrons होगा, right? वहीं पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो होती है यहाँ पे, वहां पे होल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऑन मिक्सिंग द एल्युमिनियम और बोरोन या फिर इंडियम, मतलब ये तीन और भी हो सकते हैं ग्रुप 13 में जो भी हैं उसको मिलाते हैं, तो उस केस में होल्स की काफी ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है। और इसलिए चूंकि ये होल्स एज्यूम टू बी पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, तो हम लोग इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट? तो इसका मतलब ये हो गया कि एन टाइप और पी टाइप दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए। एन टाइप कब मिलेगा बताइए, जब ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मिलाइएगा। पी टाइप कब मिलेगा, जब आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को मिलाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर में, राइट? ये बात हो गई। सेकंड पॉइंट यहां पे ये रहा कि भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, और आपका वहीं पे जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होती है वो आपकी होल्स हो जाती है। वहीं पे पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होती है वो होल्स होती है। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज पी, पी मतलब पॉजिटिव, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, ऐसे आप ध्यान में रखें। एन टाइप, एन मतलब नेगेटिव, इसका मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स है। एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे कि जो आपका बैंड स्ट्रक्चर हो जाता है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, वो इस तरह का कुछ होता है। देखिए यहाँ पे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे इंप्यूरिटी लेवल, इसको हम लोग कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंप्यूरिटी लेवल, या इसको कहते हैं डोनर लेवल। तो ऐसा बैंड स्ट्रक्चर होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, राइट? चूंकि ये क्रैश कोर्स है, चूंकि ये फास्ट कोर्स है, तो मैं बेसिकली उन्हीं बातों पे ज्यादा कंसंट्रेट करवा रहा हूं आपको जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये पूरा इसकी जो थ्योरी होती है, पूरी कंप्लीट एक थ्योरी है कि ये कैसे होता है नहीं होता है, इसके ऊपर मैं अभी फोकस नहीं कर रहा हूं। अभी आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जो आपका इसका जो इंप्यूरिटी लेवल है, या हम लोग कहें यहाँ पे डोनर लेवल भी कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द डॉटेड लाइन से जो दिख रहा है आपको, इसको डोनर लेवल कहते हैं या इंप्यूरिटी लेवल कहते हैं, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जस्ट बिलो द आपका कंडक्शन बैंड होता है। वहीं पे जो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर होती है, P
पी टाइप सेमीकंडक्टर कुछ इस तरह की दिखाई जाती है, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर या एनर्जी बैंड डायग्राम भी कहते हैं हम लोग। इसमें देख रहे हैं इंप्योरिटी लेवल जो डॉटेड लाइन से दिखाई गई वो जस्ट अबव द बैलेंस बैंड दिखाई गई है। इस इंप्योरिटी लेवल को हम लोग एक्सेप्टर लेवल भी कहते हैं, एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्टर, ए डबल सी ई पी टी ओ आर, एक्सेप्टर लेवल, एक्सेप्ट करना, राइट, एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। एक तो ये बात होगी। नेक्स्ट देखिए यहां पे कंडक्टिविटी जो आती है एन टाइप सेमीकंडक्टर में वो मेनली और मेनली ड्यू टू द बेसिकली मेजोरिटी चार्ज करी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। बाकी होल्स की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। तो इसलिए कंडक्टिविटी जब लिखेंगे यहाँ पे इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इट विल बी रिटेन एज एन ई म्यू ई। वहीं पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में लिखा जाएगा पी ई म्यू पी। तो राइट, तो इस तरीके से हमने आपके सामने जो एन टाइप सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर का बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, और ब्रीफ एंड इंपॉर्टेंट मतलब जो काम की बात मैंने करा है, वैसे इसमें काफी कुछ समझाने के लिए होता है जो कि मैं अभी समझा नहीं मतलब इस सेशन में या हम लोग कहें कि इस कोर्स में मैं समझा नहीं पाऊंगा। जब एक पूरा एट लेंथ जब कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा तो डेफिनेटली ये सारे पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में डिस्कस करा जाएगा उस समय, लेकिन अभी आपके लिए ये सारे पॉइंट्स काफी काफी इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना है। जितनी बातें मैंने बताई वो सारा कुछ बोर्ड पे मैंने लिख भी दिया है, एक एक करके फिर से देख लेते हैं। पहला पॉइंट सिलिकॉन जर्मेनियम जो कि प्योर सेमीकंडक्टर है, यदि इंप्योरिटी ग्रुप 15 एलिमेंट्स को मिलाइएगा लाइक फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी को कहते हैं हम लोग, ये सब यदि आप मिलाते हैं देन यू विल गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। वहीं पे सेकेंड पॉइंट यहाँ पे कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स होगा। दिस ओनली द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर जो भी हमने डिस्कस कराई है, और दिस इज द कंडक्टिविटी इन केस ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखिए यहाँ पे मैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। पी टाइप सेमीकंडक्टर में देख रहे हैं यहाँ पे कि सिलिकॉन जर्मेनियम जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें इंप्योरिटी जो मिलाई जाएगी ग्रुप 13 एलिमेंट्स को मिलाई जाएगी जो कि इंडियम बोरोन एल्युमिनियम वगैरह रहेगा, राइट। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जैसा कि नाम से ही क्लियर है पी मतलब वहां पे पॉजिटिव मतलब हो गया कि होल्स की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा रहेगी, दैट्स व्हाई पी ग्रेटर ग्रेटर देन एन बताई गई यहाँ पे। और ये हो गया एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, राइट। और लास्ट पॉइंट कंडक्टिविटी इन केस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल बी रिटन एज पी ई म्यू पी। तो ये आपके सामने हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पर बात करा है। अब आगे हम लोग जो बात करेंगे वो हमारा होगा पीएन जंक्शन और डायोड के बारे में, राइट। फिर डायोड की एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये पूरा का पूरा मैं बता रहा हूं कि मैं अभी जो इस मोमेंट पे प्रोवाइड कर रहा हूं वो एक क्रैश कोर्स है या फास्ट कोर्स आप कह सकते हैं, जो कि आपके डिफरेंट जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए काफी काफी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा ड्यू टू द कि टाइम की एक तो लिमिटेशन है, और जब मैं डिटेल पूरा कोर्स प्रोवाइड जब इस टॉपिक करूंगा तो डेफिनेटली बहुत ही डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे, राइट। तो आपको ये सेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा होगा, तो आपको क्या करना चाहिए, लेक्चर को लाइक करना चाहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखना चाहिए, और लोगों को जितना ज्यादा हो सके हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात और हमारा काम पहुंच सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के ऊपर बात करा था, और सेमीकंडक्टर में जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया था पिछले कुछ सेशन में, जिसमें कि हमने बात करा था कि भाई कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, अगर सारी बात हमने डिस्कस कर ली थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी पिछले के सेशन हैं वो सब आपने देख लिया होगा, और यदि नहीं देखा है तो डेफिनेटली सारे सेशन कोर्स जो सेमीकंडक्टर का हुआ है उसको जरूर से देख लीजिए, राइट। और ये जो हम लोग आपको अभी जो भी इस सेशन प्रोवाइड करने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और ये एक क्रैश कोर्स है, ये एक फास्ट कोर्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना पसंद करेंगे, उसी पॉइंट्स के ऊपर बात करना चाहेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में उससे आपकी एक ब्रीफ रिवीजन भी हो जाए और पूरा सिलेबस आप कवर भी कर सकें, राइट। अच्छा, एक बात और करना चाहूंगा मैं आप लोगों को कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को हमारे इस चैनल के बारे में जरूर से बताइए ताकि उनको भी हमारे इस चैनल से बेनिफिट हो सके। अब बढ़ते हैं आगे, और अगला काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सेमीकंडक्टर का, जो कि आपका डायोड है, पीएन जंक्शन है। और ये जो डायोड है वो आप देखेंगे कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज होता है। आप फ्रीक्वेंटली नाम सुनते होंगे लाइट एमिटिंग डायोड का, राइट।
तो ये लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, आपका फोटो डायोड हो गया, जीना डायोड हो गया, अल्टीमेटली ये सारे जो निकले हैं ये पीएन जंक्शन से ही डिराइव होके निकले हैं। डेट में पीएन जंक्शन से डिराइव होने का मतलब क्या कि अल्टीमेटली जो है जो इन्वेंशन हुई है डायोड की, उसी के बाद इन सारे डायोड की इन्वेंशन हुई है जो कि हमारे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब हम लोग यहां पे बात करते हैं यहां पे पीएन जंक्शन के बारे में। तो पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है, होता क्या है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करके, दैट मींस यहां पे जब पीएन जंक्शन की या डायोड की फॉर्मेशन करी जाती है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन एक्चुअली क्या होता है कि इस तरह से एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज का एक वॉल टाइप आप देख सकते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज का एक वॉल देख सकते हैं और इसको हम लोग कहते हैं डिप्लीशन रीजन। और ये डिप्लीशन रीजन की जो विथ होती है वो 0.1 माइक्रोमीटर होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से नोट डाउन कर लीजिए आप, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे 10^-7 मीटर होती है इस ऑर्डर में। अब बात आती है कि ब्रीफली ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब मुझे बताइए यहां पे कि सपोज मैं आपसे कहूं कि भाई कि वाटर का फ्लो कहां से कहां होता है, तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में होता ही नहीं होता, बताइए। करंट कहां से कहां फ्लो करती है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में। इसी तरीके से जो पार्टिकल्स की फ्लो या जिसको हम लोग कहते हैं टेक्निकली डिफ्यूजन, वो होती है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में। अब मुझे बताइए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है मैग्नेटिक चार्ज कैरियर क्या होता है, बताइए। पी टाइप दैट मींस यहां पे होल्स, पी मतलब पॉजिटिव, उससे आप डिराइव कीजिएगा दिमाग में कि होल्स होते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में, दैट मींस इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो है होल्स यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, मतलब होल्स काफी काफी ज्यादा होते हैं। वहीं पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बहुत ही कम होता है। इन द सिमिलर वे एन टाइप में बताइए क्या ज्यादा होता है, एन मतलब नेगेटिव, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा और यहीं पे होल्स जो है बेसिकली यहां पे काफी कम इसकी डेंसिटी होती है। तो जैसे हमने बात करा कि भाई कि प्रेशर जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वाटर फ्लो करता है, इसी तरीके से चूंकि यहां पे डेंसिटी मतलब बहुत ही ज्यादा होती है यहां पे होल्स, तो होल्स डिफ्यूज करना शुरू करता है यहां पे पी टू एन। एंड इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन की यहां पे काफी ज्यादा डेंसिटी होती है और यहां पे डेंसिटी काफी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज करना शुरू करता है एन से पी की ओर। और इसी डिफ्यूजन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन जो ये डिफ्यूजन हो रहा होता है, उसी डिफ्यूजन मैकेनिज्म की वजह से यहां पे इस तरह का बेसिकली डिप्लीशन रीजन की फॉर्मेशन होती है, राइट। ये मैंने काफी ब्रीफ में डिस्कस किया, बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट के ऊपर मैंने बात नहीं करा है, राइट। तो ये बात ध्यान में रखनी है, मैं बेसिक बात बताएं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे डायरेक्टली हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, हालांकि बीच में और कई सारी बातें हैं लेकिन मैं उसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि ये काफी काफी इंपॉर्टेंट, काफी काफी एक फास्ट कोर्स वाला सेशन है, तो उन्हीं बातों के ऊपर डिस्कस किया जाए जो कि बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सके। तो इस तरीके से मैंने एक बता दिया कि भाई कि डिप्लेशन रीजन की फॉर्मेशन का वजह बता दिया मैंने आपको। अब बात यहां पे ये होता है, बहुत ही ब्रीफ बताया, बहुत ही ब्रीफ पॉइंट मैं आपको बताऊं, मेन पॉइंट बताया हूं मैं आपको यहां पे कि क्यों होती है। अब नेक्स्ट अब देखिए, मतलब कहने का मतलब है कि ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी एंड द डिफ्यूजन ऑफ द होल्स फ्रॉम पी टू एन, बेसिकली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन दिस डिप्लेशन रीजन विल फॉर्म, राइट। तो ये वाली बात है यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका एक बैरियर पोटेंशियल हो जाता है, जंक्शन फील्ड वगैरह जनरेट हो जाती है इस तरह के वाल के चार्ज के वाल के फॉर्मेशन की वजह से, राइट। तो ये पॉइंट है। अब पीएन जंक्शन का हमारा बेसिकली, पीएन जंक्शन को इनफैक्ट डायोड भी कहा जाता है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक मेटल टाइप होता है, मेटल कॉन्टैक्ट होता है इस जगह पे, और उस मेटल कॉन्टैक्ट को जब हम लोग यहाँ पे उसके क्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहां पे वो एक डायोड की तरह काम कर सकता है, राइट। अब दो तरह की, अब ये जो हम लोग कहते हैं ना कि भाई कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना इसके अक्रॉस, इसको हम लोग कहते हैं बायस अप्लाई करना। तो दो तरह की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग, राइट। अब बायस का मतलब क्या होता है मैं वो भी आपको समझा देता हूं बेसिक बात में। जैसे सपोज मान लीजिए कि भाई कि आप जिस स्कूल में जाते होंगे वहां पे ये हो सकता है कि आप कहते हैं कि भाई कि कोई टीचर बायस है, मतलब क्या हो गया कि मान लिया जाए कि आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और किसी स्टूडेंट को कुछ गलती करा फिर भी उन्होंने 5 नंबर दे दिया, तो हम लोग जनरली कहते हैं ना
कि वो टीचर बायस है उस स्टूडेंट के लिए, लेकिन किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है वो टीचर क्या करा उन्होंने कि 5 नंबर का उन्होंने सब कुछ सही करा फिर भी उन्होंने 4 मार्क्स दिया, तो हम लोग कहते हैं कि भाई की बायस नहीं है, उसको हम लोग कह देते हैं वो टीचर उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए रिवर्स बायस। इन द सिमिलर बायस मतलब सपोर्ट करना, फॉरवर्ड बायसिंग, राइट। तो यही वाली बात यहां से डिराइव अभी होगी। तो अब देखते हैं यहां पे कि फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है, तो उसको हम लोग यहां पे समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है। उसके पहले एक बात और, ये जो डायोड पीएन जंक्शन तो हो गया, इसका डायोड की रिप्रेजेंटेशन ऐसे सर्किट में दिखाई जाती है, इस तरह से आप देख रहे हैं, यही रिप्रेजेंटेशन है डायोड का, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और ये पी और ये एन, समझिए बात को, पीएन जंक्शन इट विल बी, ये याद रखने वाली बात है, ये पी और ये एन, और ये रिप्रेजेंटेशन है डायोड का। अब फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब होता है कि फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग क्या करते हैं कि पी जो होती है एक्सटर्नल वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी और एन जो होगी वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। याद रखना बहुत आसान है, पी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल वोल्टेज बैटरी के, जो एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब बैटरी, और एन जो होगा निगेटिव। तो इस तरह से देखिए यहां पे, ये देखिए डायोड है, इसको मैं थोड़ा ठीक भी कर देता हूं, ये हो गया। अब देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, ये पी है और ये एन है, समझिए बात को, पी को मैंने या आपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है, एन को यहां पे निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करना है। जब ऐसा हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस है, और फॉरवर्ड बायस के केस में करंट की जो वैल्यू फ्लो कर रही होती है सर्किट में वो मिली एम्पियर में होती है। और फॉरवर्ड बायसिंग में पॉइंट ये ध्यान में रखने वाली बात है कि डिफ्यूजन करंट डोमिनेटिंग होता है, मेन डिफ्यूजन करंट ही यहां पे रोल प्ले करता है, क्योंकि दो तरह के करंट यहां पे होते हैं, एक डिफ्यूजन करंट होता है, दूसरा ड्रिफ्ट करंट होता है। और फॉरवर्ड बायसिंग के केस में डिफ्यूजन करंट काफी काफी ज्यादा लार्ज वैल्यू का होता है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट। तो जो करंट में जो पार्टिसिपेशन होती है, जो कि करंट ऐसे आपका फ्लो करेगा, वो डिफ्यूजन करंट होगा। देखिए मेरे हाथ को देखिए, ऐसे करके जाएगा, जैसे नॉर्मल समझिए सर्किट की तरह डिफ्यूजन करंट। और ये डायोड उस केस में हम लोग कहते हैं कि कंडक्ट कर रहा है, फॉरवर्ड बायस में डायोड यहां पे कंडक्ट कर रहा है, क्योंकि करंट मिली एम्पियर में है, जो एक अच्छा खासा करंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए कहा जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मिली एम्पियर एक बहुत अच्छा करंट होता है, और माइक्रो एम्पियर का करंट का मतलब है कि जनरली वो करंट मतलब फ्लो नहीं कर रही है करंट, मतलब जब माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो नेग्लिजिबली स्मॉल करंट है। वहीं पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे कि बड़े बड़े बल्ब लगे होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप देखते हैं, फैन बड़े बड़े होते हैं, वहां पे करंट एम्पियर के ऑर्डर में होता है। बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में या सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में मिली एम्पियर करंट से हमारा सारा काम चल जाता है, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिली, इसलिए यहाँ पे मिली एम्पियर लगाई गई है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मिली एम्पियर लगाई गई है, और दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड बायसिंग। और इस डायोड के क्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई किया गया है। अब इसका करने का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली इसका करंट वोल्टेज ग्राफ भी बनाएंगे। इसलिए ये देखिए, ये वेरिएबल वोल्टेज है, वेरिएबल वोल्टेज ये देखिए बैटरी की, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे करंट वोल्टेज ग्राफ बनाई गई है, पहले ये दिखाई गई है फॉरवर्ड बायसिंग में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देख क्या रहे हैं कि ध्यान से देखिए यहाँ पे, कुछ वोल्टेज तक कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है। जब यहां पे वोल्टेज 0 होगी या 0.1 वोल्ट होगी, 0.2 वोल्ट होगी, तो करंट आप जनरली नहीं देखेंगे। और ये डिपेंड करता है डायोड किस मटेरियल से बना हुआ है। यदि वो आपका सिलिकॉन डायोड है तो नॉर्मली ये जो कट इन वोल्टेज इसको कहते हैं, ये 0.6 वोल्ट के आसपास होता है, राइट। कहीं पे 0.6 वोल्ट लिखा रहता है, कहीं पे 0.7 वोल्ट। तो आप यही समझ लीजिए, यदि सिलिकॉन डायोड हुआ, मतलब डायोड इज सिलिकॉन से बना हुआ, तो कट इन वोल्टेज इसको कहते हैं, इस ये वोल्टेज की वैल्यू, दैट मींस कट इन वोल्टेज वो वोल्टेज है जो कि यहां पे मिनिमम अप्लाई करेंगे तब जाके करंट फ्लो करेगा। तो ये जो कट इन वोल्टेज है सिलिकॉन डायोड के केस में 0.6 टू 0.7 वोल्ट होती है, वहीं पर जर्मेनियम डायोड के केस में अराउंड 0.2 वोल्ट के आसपास होती है। जैसे यहां पे यदि मान लो ये डायोड सिलिकॉन से बना हुआ है, तो जैसे 0.6 वोल्ट से ऊपर मैंने अप्लाई किया, तो इमीडिएटली करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियली करंट की वैल्यू बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, राइट।
तो दिस वन इज द बेसिकली एक्सपोनेंशियली करंट वोल्टेज के बढ़ने के साथ, जैसे ही इस कटिंग वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज आप बढ़ाना शुरू करेंगे तो इमीडिएटली करंट काफी तेजी से बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करेगी। अब बाद में ग्राफ जनरली लिनियरली चला वेरिएशन होती है, बाद में शुरू में तो एक्सपोनेंशियल होती है बट बाद में ध्यान से देखेंगे तो ये कहा जाता है या ये देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि ये ऑलमोस्ट लिनियर वेरिएशन है, राइट। तो पहली बात यहाँ पे है कि इससे ये प्रूव होता है कि नॉन ओमिक है, सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे ओमिक डिवाइस का मतलब क्या होता है कि करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होना चाहिए, जो कि एक कंडक्टर होता है, रेसिस्टर होता है जो आप कर रखा है अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में, और जो सिंपल रेसिस्टर होते हैं वो ओमिक ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, बट ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई सेमीकंडक्टर डिवाइस या हम लोग कहें डायोड जो होती है वो नॉन ओमिक होती है, जो कि हम लोग इससे जस्टिफाई करते हैं क्योंकि ये करंट वोल्टेज ग्राफ यहाँ पे लिनियर नहीं है। तो दिस वन इज द बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे इसको, फॉरवर्ड बायसिंग, राइट। अच्छा एक बात और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डायनामिक रेसिस्टेंस की। रेसिस्टेंस एक्चुअली दो तरह के होते हैं यदि कहा जाए तो, कई जगह पे वर्ड जैसे आप इक्वल टू आई आर, तो आर इक्वल टू वी बाई आई, तो आर इक्वल टू वी बाई आई जब लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक रेसिस्टेंस, स्टैटिक कॉन्स्टेंट वैल्यू, और एक होता है डायनामिक रेजिस्टेंस। अब इसको समझने का तरीका क्या है, ये समझने का वही तरीका है जैसे कि आप ये समझिए कि भाई कि एक्सेलरेशन की बात, यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो जनरली कहा जाता है कि वेलोसिटी बाय टाइम, और यदि वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है तो डीवी बाय डीटी। वेरिएबल एक्सेलरेशन डायनामिक एक्सेलरेशन, डायनामिक रेजिस्टेंस और डीवी बाय डीआई या डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, और वहीं पर स्टैटिक रेजिस्टेंस That means V by I. तो यहां पे हम लोग जो बात करते हैं वो एक्चुअली हम लोग बात करते हैं यहां पे डायनामिक रेसिस्टेंस की। क्यों डायनामिक रेसिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि हर जगह पे रेसिस्टेंस की वैल्यू यहां पे चेंज कर रही होती है। अब मैं ये भी समझाता हूं कि रेसिस्टेंस आखिर निकाल कैसे सकते हैं, इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो हमने क्या बात करा, दो तरह के रेसिस्टेंस हो गए, एक स्टैटिक रेसिस्टेंस हो गया और एक क्या हो गया, डायनामिक रेसिस्टेंस। और यहाँ पे जो हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बात करते हैं यहाँ पे सारी चीजें ज्यादातर डायनामिक ही रहती है, ज्यादातर क्या सारी डायनामिक ही है। तो डैट्स व्हाई यहाँ पे रेसिस्टेंस की जो बात करी जाएगी डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, समझिए बात को, आर यहाँ पे बात करा जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, दिस इज कॉल्ड द डायनामिक रेजिस्टेंस। अब ये निकाला कैसे जाएगा, बहुत आसान है निकालना। देखिए आप क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप बना लीजिए, देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने ट्रायंगल बना लिया। अब देखिए यहाँ पे ये एक तरह से डेल्टा वी है और ये एक तरह से डेल्टा आई है, ध्यान से देखिए बात, ये हो गया डेल्टा वी, तो ये डेल्टा वी और ये डेल्टा आई, तो ये भी डेल्टा आई, और ये एक ट्रायंगल छोटा सा बन गया, ये बन गया छोटा सा ट्रायंगल। लेट्स सी दिस एंगल इज थीटा, तो मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये आपका डेल्टा आई है और ये डेल्टा वी है, तो इट विल बी रिटन एज डेल्टा आई बाय डेल्टा वी, तो इसे टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टेन थीटा इज वन बाय आर, क्योंकि वन बाय आर आया तो आर की वैल्यू वन बाय टेन थीटा हो गई। तो ये एक तरह से एंगल यहां पर ये थीटा, तो इस तरीके से यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करी जाती है। तो मेरे ख्याल से मैं आपको जो समझाने का प्रयास किया मेन बात, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता रहता है और एनसीईआरटी ने एग्जांपल में भी दे रखा है, तो उसको जरूर से कर लीजिए ताकि आपको ये समझ में आए कि यदि आपको करंट वोल्टेज ग्राफ दे रखा हो, जिसको हम लोग कहते हैं करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स का कोई भी डिवाइस का हो सकता है, जैसे मैं कहूंगा कि भाई कि एक रेसिस्टर जो मेटल है उसका करंट वोल्टेज ग्राफ बनाए, तो I प्रोपोर्शनल टू V है या V प्रोपोर्शनल टू I है, तो लिनियर ग्राफ बनती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। उसी तरह से ये आपका करंट वोल्टेज ग्राफ है फॉर द बेसिकली डायोड पीएन जंक्शन, तो दिस इज कॉल्ड द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गया आपका बेसिकली फॉरवर्ड बायसिंग में। तो फॉरवर्ड बायसिंग का फिर से पॉइंट समझ लीजिए बात को, फॉरवर्ड बायस का मतलब यहां पर ये होता है कि P को, ये P है, ये समझिए ये P है और ये N है, P को पॉजिटिव टर्मिनल से और N को नेगेटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट कर देते हैं तो हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड बायस है। और इस केस में कहा जाता है कि एक डायोड कंडक्ट हो रहा है, डायोड नियरली एक कनेक्टिंग वायर का काम कर रहा है, आइडियली कहा जाता है, आइडियली डायोड एक कनेक्टिंग वायर का काम कर रहा है, राइट, ये वाली बात है। दूसरी बात, एक पॉइंट यहाँ पे कट इन वोल्टेज वाली बात आपको समझ में आ गई, जर्मेनियम डायोड के लिए जनरली 0.2 वोल्ट होता है कट इन वोल्टेज, सिलिकॉन डायोड के लिए कहीं पे 0.6 वोल्ट लिखा है, कहीं पे 0.7 वोल्ट लीजिए, तो 0.6 टू 0.7 वोल्ट कट इन वोल्टेज होती है
बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए. तो दिस वन इज कॉल्ड द कट इन वोल्टेज. दैट मीन्स दिस इज द वोल्टेज एट विच द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग. मिनिमम वोल्टेज जो इसकी होनी चाहिए जो कि आपको अप्लाई करना है जिससे कि डायोड काम करना शुरू कर दे. दैट मींस यहां पे डायोड काम करना है तो डायोड के थ्रू करंट फ्लो करना शुरू कर दे और उसके बाद ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली होती है करंट वोल्टेज के साथ यहां पे एक्सपोनेंशियल राइज करती है. अब बात आती है दूसरा रिवर्स बायस की. रिवर्स बायस में उल्टा काम हो जाएगा. इसमें क्या होगा, पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से. तो पी यहां पे देखिए, ये पी नेगेटिव टर्मिनल, ये देखिए ये पी है, पी समझिए बात को, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल. इस केस में करंट की वैल्यू जो सर्किट में होती है माइक्रो एम्पीयर के ऑर्डर में होती है, इसलिए माइक्रो एमीटर लगाया जाता है और ये वोल्ट मीटर लग गई जो कि इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करेगी. तो आप क्या करेंगे, इस वोल्टेज को वेरी कराएंगे और वोल्ट मीटर से इसके क्रॉस को वोल्टेज मेजर करेंगे और माइक्रो एमीटर से करंट मेजर करेंगे. जब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दिस वन इज द ग्राफ. देखिए ध्यान से, अब इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, समझते हैं ये ग्राफ क्यों है. और यहां पे करंट लिखी गई माइक्रो एम्पियर में. दिस वन इज द रिवर्स बायस, दिस वन इज द फॉरवर्ड बायस. और रिवर्स बायस में आइडियली कहते हैं कि करंट थ्रू द डायोड पास नहीं कर रहा है और उस केस में हम लोग जिस भी जगह पे डायोड लगी रहती है उसको हम लोग एक तरह से ओपन सर्किट की तरह काम करते हैं. और आइडियली जब फॉरवर्ड बायस होती है तो जहां जहां पे डायोड रहता है तो आइडियली वो डायोड एक तरह से कनेक्टिंग वायर का काम कर रहा है, मतलब डायोड कंडक्ट कर रहा है. और इस केस में कहेंगे डायोड कंडक्ट, मतलब करंट को कंडक्ट नहीं, इसके थ्रू करंट यहां पे नियरली जीरो पास कर रही है. और नेक्स्ट पॉइंट, रिवर्स बायस के केस में डिफ्यूजन करंट की वैल्यू और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है एज कंपेयर टू ड्रिफ्ट करंट के. और ड्रिफ्ट करंट यहां पे डोमिनेटिंग करंट होती है ऑल्दो इट इज इन द माइक्रो एम्पियर. राइट, ये पॉइंट्स हैं. अब डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया हूं क्योंकि मेन पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट डायोड में जो फ्लो करती है, डायोड का जो मैकेनिज्म जब करेंगे तो उसमें पता चलता है कि डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है. मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया यहाँ पे. राइट, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए. अब रिवर्स बायस में क्या देखेंगे आप, ये करंट ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं सेचुरेशन करंट. वोल्टेज चेंज हो रहा है बट करंट क्यों, देखिए नियरली कॉन्स्टेंट है. That's why this is called the saturation current. That means reverse current nearly constant रहती है. But suddenly आप देखेंगे एक particular voltage पे current की value suddenly increase करती है. इसको हम लोग कहते हैं breakdown voltage. क्योंकि इस particular voltage पे क्या होता है कि देखिए एक हर एक material की एक स्ट्रेंथ होती है जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर उस मटेरियल से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको डिटैच किया जा सकता है. तो ये जो आपका वोल्टेज है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस वोल्टेज पे क्या होता है कि बेसिकली जो मटेरियल है जिससे कि सेमीकंडक्टर मतलब पीएन जंक्शन बना हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स डिटैच हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे कई सारे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं करंट के फ्लो में और इसकी वजह से सडनली करंट इंक्रीज कर जाती है. और जब सडनली करंट इंक्रीज कर जाती है तो हीटिंग इफेक्ट हो जाता है. हीटिंग इफेक्ट होकर के डायोड एक्चुअली काम करना बंद कर देता है या हम लोग कहते हैं सिंपली डायोड बर्न हो जाता है, जल जाता है हीटअप की वजह से. राइट, तो ये है आपका, इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस, इसको कहते हैं यहां पर फॉरवर्ड बायस. मैं काफी एक आसान से लैंग्वेज में आपको समझाया हूं कि आखिर ये है क्या. राइट, तो मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि करंट वोल्टेज ग्राफ क्या है, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है डायोड की, रिवर्स करंट, रिवर्स बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है. और सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बीच बीच में बताया जो कि ध्यान में रखना है आपको. राइट, अब देखिए यहां पे कि इस जोन में आप देख रहे हैं ना यहां पे इसका भी यूज होता है. इसी में जीनर डायोड यहीं पे काम करता है. जीनर डायोड का पर्पस ये होता है वोल्टेज को बेसिकली रेगुलेट करना ऑल्दो द करंट इज चेंजिंग, जो कि हम लोग डिस्कस भी करेंगे डिटेल में क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीनर डायोड. राइट, तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें जरूर जोर से प्रॉपरली समझ में आया होगा कि डायोड का काम कैसे करता है सर्किट में, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जरूर से इसे अच्छे से कर लेना, जितने पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन करना. राइट, तो जरूर से वीडियो लेक्चर को आपने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, जरूर कीजिए. सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया बहुत अजीब सी बात है. और लोगों को हमारे चैनल के बारे में जितना ज़्यादा हो सके बताइए ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट हो सके. और पिछले जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर से इस चैप्टर के जितने भी सेशन हमने आपको दिए हैं
का मेरे ख्याल से तीन चार सेशन शायद दिया है पहले हमने, देख लेना आप वो, तो जरूर से अच्छे से उसे कर लीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, सेमीकंडक्टर का चैप्टर के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था और ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब तक हमने कई सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर लिया था, डायोड के ऊपर पिछले सेशन में हमने बात करा था, और मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सारे सेशन जो भी पीछे हमारे सेमीकंडक्टर के चैप्टर के ऊपर हुआ है डेफिनेटली आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो जरूर से उसे आप देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब बात यह कि डायोड तक तो हमने बात कर लिया था कि भाई कि डायोड की करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसी करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने ये बात समझ लिया कि भाई कि डायोड फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, मतलब उसके थ्रू करंट पास करेगा, लेकिन रिवर्स बायस में हमारा उसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहां पे डायोड का एक काफी काफी अच्छा यूज होता है, टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है उसकी। एप्लीकेशन क्या है कि कोई भी आपके पास यदि टाइम वेरिंग अल्टरनेटिंग करंट, ऑब्वियस बात है अल्टरनेटिंग करंट टाइम वेरिंग होता ही होता है, तो जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ऑल्टरनेटिंग करंट जो कि करंट कैसी होती है, कुछ इंटरवल के लिए प्लस में होती है, प्लस साइकिल होता है, कुछ इंटरवल के लिए माइनस साइकिल होता है, फिर कुछ प्लस, फिर माइनस, ऐसे रेगुलर इंटरवल पे प्लस माइनस साइकिल होता रहता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन करंट का टाइम के साथ चेंज करता है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्शन करंट का टाइम के साथ चेंज नहीं करता, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करंट जो है फ्लो कर रही होती है किसी रेसिस्टर के थ्रू, राइट। तो अब एक ऑल्टरनेटिंग करंट को हम लोग डायरेक्ट करंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यही करने के लिए हम लोग डायोड का इस्तेमाल करते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम लोग डायोड को कहते हैं डायोड इज यूज्ड एज द रेक्टिफायर। रेक्टिफाई करना, रेक्टिफायर का मतलब होता है कि कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, राइट। तो दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। अब दोनों का मतलब ही क्यों रखा गया या क्यों आया वो भी समझ में आपको आ जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करते हैं, हम एक डायोड लेते हैं, अब फिर एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स लिया जाता है, राइट, और एक एक्सटर्नल रेसिस्टर लिया जाता है या एक आउटपुट ली जाती है, जो कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, कुछ भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ले लीजिए या कोई आउटपुट ले लीजिए, और उसको हम लोग कनेक्ट इस तरीके से करते हैं। देखिए ध्यान से, ये डायोड हो गया, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हो गया, और ये एक एक्सटर्नल रेसिस्टर कहें या आउटपुट रेसिस्टर कहें या लोड रेसिस्टर कहें, वो तीन को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। जब ऐसे कनेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा वो देखिए। देखिए अब ध्यान से, अब ये एसी इनपुट है यहाँ पे, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज टाइम यही बनता है भाई कि वोल्टेज टाइम ऐसे करके साइनोसॉइडल वे में चेंज होती रहती है, जो कि आपने ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में और उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस भी करा होगा, आपने समझा भी होगा। तो क्या देखते हैं आप कि कुछ टाइम के लिए प्लस साइकिल, फिर माइनस साइकिल, फिर प्लस साइकिल, फिर माइनस साइकिल। तो ये बात समझिए, जब ये प्लस साइकिल में होगा, मतलब वोल्टेज टाइम ग्राफ जब ऐसा है तो यहाँ प्लस साइकिल में, तो ये वाला प्लस पे है, ये माइनस पे है, यही तो मतलब हुआ ना। देखिए अब यहाँ पे इस बात को हम लोग ऐसे समझे कि जब ये प्लस साइकिल पे होगा तो ये प्लस पे होगा और ये माइनस पे होगा। प्लस पे होने का मतलब है कि ये डायोड आपका पीएन जंक्शन, ये क्या होता है पी, और ये क्या होता है बताइए एन, पिछले सेशन में हमने डिस्कस करा हुआ है इस बात को। अब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, डायोड कब फॉरवर्ड बायस में होता है, जब पी जो है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और एन जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो सोर्स का, तो उस केस में कहते हैं डायोड फॉरवर्ड बायस में है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होती है तो करंट उसके थ्रू पास करती है, कंडक्ट कर रहा होता है डायोड, और इसलिए लोड रेसिस्टेंस से भी करंट पास करेगा या आउटपुट रेसिस्टेंस से भी करंट पास करेगा। तो क्या होगा, जब ये पीएन जंक्शन, पीएन तो है ही, अब जब ये प्लस पे होगा तो प्लस मतलब पॉजिटिव, तो पी जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन एक तरह से नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तब उस केस में ये डायोड एक तरह से कंडक्ट कर रहा है, दैट मींस ये डायोड अब फॉरवर्ड बायस में है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो करंट ऐसे पास करेगा, देखिए ध्यान से, इस रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू ऐसे करंट पास करेगा, तो आउटपुट आपको मिलेगी, मतलब वोल्टेज इसके अक्रॉस यहां पे अपीयर करेगा, बिल्कुल वोल्टेज वैसा ही अपीयर करेगा उसी नेचर का जैसा कि इनपुट का रहेगा, राइट।
अब बात यहां पे आती है कि जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में चला जाएगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो ये क्या बनेगा, यहां पे बताइए माइनस और ये क्या बन जाएगा प्लस, यही तो होगा। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा तो पी का नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन है, मतलब ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। बताइए ये डायोड का पीएन जंक्शन पी नेगेटिव टर्मिनल से जब कनेक्टेड होता है तो हम लोग कहते हैं ये डायोड क्या हो जाएगा, बेसिकली रिवर्स बायस में हो जाएगा। और जब डायोड रिवर्स बायस में हो जाता है तो डायोड के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करता है। डायोड के थ्रू यदि कोई करंट पास नहीं कर रहा है, डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, तो इस लोड रेसिस्टेंस या आउटपुट रेसिस्टेंस के थ्रू भी करंट पास नहीं करेगा। जब उसके थ्रू करंट पास नहीं करेगा तो इसका मतलब यहां पे इसके क्रॉस कोई वोल्टेज एपियर नहीं होगा। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल यहां पे देख रहे हैं वोल्टेज यहां पे कोई भी एपियर नहीं कर रहा है। और एक बात नजर में डालने वाली बात है, जहां पे इनपुट में करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा है प्लस और माइनस में, बट आउटपुट में जो करंट है आरएल के थ्रू जो करंट है वो किस डायरेक्शन में, हमेशा इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जाएगा करंट। देखिए ध्यान से, यहां से ए से बी जा रहा है करंट। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तो लोड रेसिस्टेंस या आउटपुट रेसिस्टेंस में करंट ए टू बी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा तो इससे होके कोई करंट नहीं पास करेगा, फिर जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तो फिर से करंट ए से बी, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा तो इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, ऐसे करके। तो मतलब ये हो गया कि इस लोड रेसिस्टेंस से जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं कर रहा है। और जब करंट का डायरेक्शन ना चेंज करे तो हम लोग यही कहते हैं कि भाई कि वो डायरेक्ट करंट है। डीसी का मतलब, बेसिक मतलब ये होता है, वैसे डायरेक्ट आइडियल डीसी का मतलब ये होता है कि करंट का डायरेक्शन भी चेंज ना करे और उसकी वैल्यू भी चेंज ना करे, बट यहां पे वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो एग्जैक्ट डीसी, आइडियल डीसी नहीं ले पाए हैं हम लोग, इसको यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि भाई कि हमने एक काम जो फंडामेंटल बात है कि करंट का डायरेक्शन चेंज ना करे वो तो हमने कर ही लिया। ऑल्दो दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस इज चेंजिंग विद टाइम टी, तो परफेक्ट डीसी नहीं है। इस परफेक्ट डीसी बनाई जाती है इसको यूजिंग द फिल्टर सर्किट, यूज करके जो आरसी सर्किट को हम लोग कहते हैं फिल्टर सर्किट, उसका यूज करके हम लोग परफेक्ट डीसी इसको बना सकते हैं, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से हाफ वेव रेक्टिफायर, इसलिए हाफ वेव कहते हैं, आधा ही वेव रेक्टिफाई हुआ है, और जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे तो उसमें पूरा का पूरा वेव रेक्टिफाई हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा वेव जो है बेसिकली, मतलब आउटपुट प्लस वाला साइकिल भी या माइनस साइकिल भी, दोनों ही बेसिकली यहाँ पे एक जो है दोनों ही रेक्टिफाई हो जाएगा। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम यही होता है, अदरवाइज क्या है कि और एक सर्किट डायग्राम के थ्रू भी करा जा सकता है यूजिंग द ट्रांसफार्मर। तो हालांकि फंडामेंटल यही है, यही सर्किट डायग्राम फंडामेंटल है, बट एक अल्टरनेट सर्किट डायग्राम आप ये भी देख सकते हैं जिसमें कि जो एसी इनपुट है वो आपका जो है एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है। ट्रांसफार्मर का केवल यूज क्या होता है, ट्रांसफार्मर का यूज होता है भैया कि वोल्टेज को अप या डाउन करने का। एक ट्रांसफार्मर जो यदि एसी इनपुट जो है छोटी होती है, स्मॉल इनपुट होती है, स्मॉल वोल्टेज होता है, यदि मुझे अप करना है तो हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, मतलब वोल्टेज का जो यदि अप या डाउन करना है तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है। हालांकि यहाँ पे रेक्टिफायर में आप ट्रांसफार्मर यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा भी सर्किट बन सकता है आपका, बेसिकली यूज बाय टेकिंग द ट्रांसफार्मर, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफार्मर। तो होगा क्या, जब ये प्लस पे होगा और ये माइनस पे होगा तो फिर से ये प्लस और ये माइनस होगा, और जब ये प्लस पे होगा तो ये डायोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। जब डायोड कंडक्ट करेगा तो रेसिस्टेंस आरएल के थ्रू करंट ऐसे पास करेगी, और जब ये माइनस और ये प्लस पे होगा तो ये माइनस पे होगा और ये प्लस पे होगा, तो उस केस में ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा और इसके थ्रू कोई भी करंट पास नहीं करेगी। तो सेम बात है, चाहे आप ये सर्किट डायग्राम बना करके समझ लीजिए, चाहे ये सर्किट डायग्राम बना के समझ लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो ये थोड़ा सिंपलेस्ट सर्किट डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया आपको, तो दोनों बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप ट्रांसफार्मर का भी यूज कर लें या बिना उसका यूज करें आप सर्किट डायग्राम, मतलब ये हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं, कोई ऐसा परेशानी की बात नहीं है। एक तो बात ये हो गई, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि यहां पे ट्रांस इस केस में हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में यदि इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी एफ ही होती है। एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी यदि एफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी वही एफ ही रहेगी। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, कई दफे पूछा गया है कि यदि हाफ वेव रेक्टिफायर में एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जो कि इंडिया में एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी यही होती है 50 हर्ट्ज होगी, तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो इट विल बी आल्सो 50 हर्ट्ज, बट फुल वेव रेक्टिफायर में ट्वाइस हो जाती है, राइट। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, तो इस बात को आपको याद ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, वही मैं आपको बता देता हूं। फ्रीक्वेंसी
मतलब फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब क्या है कि सिमिलर हैपनिंग रिपीट होना, सिमिलर इवेंट का रिपीट होना। तो आप ध्यान से देखें यहां पे, ये एक कंप्लीट वन साइकिल है, तो यहां पे भी वही वाली बात हो गई। देखिए यहां पे जितने देर में ये है, फिर अगला यहां से ऐसे जाएगा तो उतने देर में फिर से उसके बाद ऐसा आएगा, समझिए बात को। ये आपकी ये एक साइकिल है, यहां पे एक साइकिल ऐसा है, ये समझने वाली बात है। दिस वन इज द साइकिल, ये एक साइकिल। तो ये देखिए जितने देर में ये एक साइकिल ले रहा है उतनी देर में ये भी एक साइकिल ले रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो एसी इनपुट की होगी वही बेसिकली यहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन वहीं पर ऐसा देखा जाए कि सब कुछ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऐसी है और फिर ऐसे हो रही है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाएगी, क्यों? बिल्कुल जितने देर में ये एक साइकिल ले रहा है उतने ही देर में ये दो ले लिया, दो बार रिपीटेशन, बिल्कुल सिमिलर रिपीटेशन हो चुकी है, इसलिए यहां पर कहा जाएगा फ्रीक्वेंसी टू एफ। ऐसे हम लोग समझते हैं इस बात को। तो मेरे ख्याल से आपको हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है कॉन्सेप्ट उसको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगले सेशन में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर करेंगे और उसके ऊपर भी बात करेंगे, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको लेक्चर डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो आप जरूर से अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, लाइक कीजिए, और साथ में जो वीडियो जो है आप शेयर करना चाहें तो वो भी शेयर कीजिए, राइट। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में मिलते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को बात करेंगे, कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब तक हम लोगों ने जो बात करा था वो हाफ वेव रेक्टिफायर के ऊपर बात हो गई थी, अब हमारा डिस्कशन यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर के ऊपर है। मीनवाइल जब हम लोग बात कर रहे थे हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, तो उसके दौरान थोड़ा बहुत हमने फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात कर लिया था। अब देखते हैं यहाँ पे कि फुल वेव रेक्टिफायर होता क्या है। एक्चुअली हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें यह बात हुई थी कि केवल जो इनपुट का हाफ वोल्टेज ही यहां पे रेक्टिफाई हो रहा है। रेक्टिफाई का मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्जन फ्रॉम एसी इनटू डीसी। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कंप्लीट साइकिल जो है आपका पॉजिटिव साइकिल भी एज वेल एज निगेटिव साइकिल भी यहां पे बेसिकली रेक्टिफाई हो जाएगा, इसलिए इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर दिया गया है। अब ये देख लेते हैं कि भाई कि फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसा क्या, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसी क्या चेंज कर दी जाएगी जिससे कि वो जो है फुल वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक्चुअली हमने कितने डायोड को यूज किया था, डायोड एक ही डायोड को यूज किया था, यहां पे हम लोग दो डायोड की यूज करेंगे, और दो डायोड के साथ साथ हम लोग यहां पे जो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज करा जाता है। तो देख लेते हैं जल्दी से इसका सर्किट डायग्राम है क्या। तो देखिए अब यहां पे ध्यान से सर्किट डायग्राम को देखिए, यहां पे दिस इज कॉल्ड द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ये सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको टैप करी जाती है और इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए वाला पॉइंट जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तो ये वाला पॉइंट भी जो है आउट ऑफ फेज होता है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में होता है। मतलब क्या, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, अब यहां पे होता क्या है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहां पे ए जो है पॉजिटिव वोल्टेज में होगा, तो इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में बी वाला पॉइंट नेगेटिव वोल्टेज पे होगा। मतलब हो गया कि जो इनपुट बनेगी डायोड D1 और D2 की, तो इस तरह से बनेगी। देखिए यहां पे ये मैंने दिखा रखा है वोल्टेज एट द पॉइंट ए विथ टाइम टी, और ये दिखा रखा है वोल्टेज एट द पॉइंट बी विथ टाइम टी। ड्यू टू द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, पॉइंट ए का यदि पॉजिटिव है वोल्टेज, तो वहीं पे एट द पॉइंट बी का जो वोल्टेज इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा, वो आपका निगेटिव पे होगा, राइट। तो समझने वाली बात यहां पे क्या है कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब ए पॉजिटिव वोल्टेज पे होता है तो बी वाला पॉइंट नेगेटिव वोल्टेज पे होता है। मेन पॉइंट ये है, मतलब यहां पे क्या हो गया कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ए का यदि ऐसा वोल्टेज का वेरिएशन होगा टाइम टी के रिस्पेक्ट में, पॉइंट ए का वोल्टेज इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो पॉइंट बी की जो वोल्टेज है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बेसिकली इस तरह की वोल्टेज की वेरिएशन हो गई। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है यहां पे, क्योंकि ये एक तरह से पॉजिटिव वोल्टेज से कनेक्टेड है, वहीं पे डायोड D2 पे यहां पे नेगेटिव वोल्टेज है इसके दौरान, तो डायोड D2 कंडक्ट नहीं कर रहा है, वहीं पे यहां पे इस तरह के वोल्टेज के लिए डायोड D1 कंडक्ट करेगा, बट डायोड D2 यहां पे कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो करंट देखिए ऐसे जाएगा, ध्यान से देखने वाली बात है, ध्यान से देखिए करंट, ये तो डायोड D2 कंडक्ट ही नहीं कर रहा है,
तो डायोड D2 जब कंडक्ट नहीं कर रहा है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, और डायोड D1 चूंकि कंडक्ट कर रहा है तो करंट ऐसे जाएगा, देखिए ध्यान से X2Y, ध्यान से देखिए सर्किट में, देखिए मेरे हाथ को, देखिए फिंगर को देखिए ध्यान से। अब क्या हुआ कि जब पॉइंट ए का जो वोल्टेज है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निगेटिव पे पहुंच जाएगा, तो पॉइंट बी का जो वोल्टेज है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव पे पहुंच जाएगा। तो इस सिचुएशन में देखिए डायोड D1 अब कंडक्ट यहां पे नहीं करेगा, वहीं पे डायोड D2 यहां पे कंडक्ट करेगा, और जब डायोड D2 कंडक्ट करेगा तो देखिए करंट ऐसे जाएगी, ध्यान से देखिए ऐसे। दैट मींस जब डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है तो RL से पास करता हुआ करंट X2Y, जब डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है तो करंट पासिंग थ्रू द RL जो कि लोड रेसिस्टेंस है या आउटपुट रेसिस्टेंस है वो X2Y जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि इन एनी सिचुएशन जो है करंट X2Y ही फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अक्रॉस द लोड रेसिस्टेंस RL, राइट। मतलब हो गया कि जब आपका यहां पे पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तब भी करंट RL से पास करेगा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तब भी करंट RL से पास करेगा। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डायोड D1 एंड D2, राइट। तो इस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा आपको, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट वोल्टेज यही मिलेगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इन एनी सिचुएशन वो आपका X2Y ही है। मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर जो है में क्या होगा कि जब एसी इनपुट आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो तब भी आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, और जब एसी इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल में होगा तब भी यहां पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज द फुल वेव रेक्टिफायर। ये पॉइंट है यहां पे, राइट। तो मेरे ख्याल से जो मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर समझाना चाह रहा हूं कि आखिर फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है, इसका सर्किट डायग्राम क्या है, ये मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर भी हमने समझ लिया, फुल वेव रेक्टिफायर भी समझ लिया। ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर डायोड के एप्लीकेशन के लिए, राइट। अच्छा, एक बात और यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा मैं कि जहां पे एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी यदि एफ होगी तो देखिए यहां पे आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2F होगी, क्योंकि जितने देर में एसी इनपुट एक साइकिल लेगा उतने ही देर में आउटपुट का जो है बेसिकली दो साइकिल हो गया, एक ये। इसलिए कहा जाएगा कि यदि एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी मान लिया जाए कि फुल वेव रेक्टिफायर में 50 Hz है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इट विल बी 100 Hz। ये काफी कॉमन सा प्रॉब्लम होता है जो कि कंटिन्यूअसली अपीयर होता रहता है। वहीं पे हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यदि एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी भी एफ ही होती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या डिफरेंस है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। यदि सपोज हम लोग डिफरेंस की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड केवल एक ही यूज होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड दो यूज होते हैं। दूसरी बात, हाफ वेव रेक्टिफायर में यहां पे डायरेक्टली आप एसी इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं या यूजिंग द ट्रांसफार्मर, राइट। वहीं पे हमारे को यहां पे जो ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ रहा है वो आपका यहां पे है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पे कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है उसमें केवल और केवल एक ही साइकिल रेक्टिफाई हो पाता है, हाफ साइकिल ही रेक्टिफाई हो पाता है, कंप्लीट साइकिल रेक्टिफाई नहीं हो पाता है। नेक्स्ट यहां पे क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी जो होगी, जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो एसी इनपुट की होगी, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर के केस में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी जो हो जाती है ट्वाइस हो जाती है फ्रीक्वेंसी देन द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी बातें यहां पे रेक्टिफायर से रिलेटेड, तो जरूर से यहां पे इस सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लेना, राइट। मेरे ख्याल से आपको लेक्चर डेफिनेटली पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा, तो आप जरूर से लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए जितना ज्यादा बता सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं और कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जितने लेक्चर सेमीकंडक्टर के हो चुके हैं, अब तक कई सारे लेक्चर्स हमने सेमीकंडक्टर का कर रखा है, तो जरूर से सारे लेक्चर्स को प्रॉपरली कीजिए और उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए, राइट। और आइंस्टाइन क्लासेस जो हमारा पूरा एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कंप्लीट हेल्प करेगा जेईई मेन की तैयारी के लिए, जिसमें कि कई सारे लेक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे IIT जेईई मेन एडवांस फिजिक्स का आप देख सकते हैं, जेईई मेन एडवांस क्रैश कोर्स, जिसमें कि अभी तक 8 चैप्टर को हमने यहाँ पे
अपलोड कर दिया है, 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं, राइट। इसको जरूर से आप थॉरली देखिए और इसका काफी आप इससे आपको काफी मदद मिलेगा। फिर इसका जे एडवांस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फ्रॉम इरोडो एससी वर्मा, इसमें काफी इंपॉर्टेंट सब प्रॉब्लम है, इनफैक्ट एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं इसका, जिसमें कि 73 टोटल लेक्चर्स हैं, इसका आप हेल्प लीजिए। जे मेन एडवांस फिजिक्स ट्रिक्स का है ये लेक्चर, इसमें काफी सारे 23 ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक्स हैं और इसका यूज करके आप जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इरोडोव सॉल्यूशन है जिसमें कि 43 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इरोडोव के हैं, वो हमने यहाँ पे प्लेस करा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को लेके। फिर इसके यहाँ पे सो मोर करिएगा तो और भी आ जाएगा, एससी वर्मा के मिल जाएंगे। जेई मेन एडवांस फिजिक्स का क्रैश कोर्स है, हालांकि आपको इस क्रैश कोर्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है। एंड देन इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये देखिए जेई मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक्स इन फिजिक्स, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये सारे आपके वीडियो लेक्चर्स हैं जो आपको मदद करेंगे, रोटेशन रोलिंग मोशन के 12 लेक्चर्स हैं, राइट। इसका नीचे आ जाते हैं, देखिए ये मैथ्स से रिलेटेड है, आप इसका ही पूरा आप देख सकते हैं, ये सारा आपका मैथ्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको मिलेगा जिसका आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जेई मेन में के लिए आपका ये सारे लेक्चर्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास हमारा जो है एक आइंस्टाइन क्लासेस का साइट भी है, जब यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे einsteinclasses.com का ये साइट है, जहाँ पे आप जा करके जेई मेन का से रिलेटेड स्टडी मटेरियल, देखिए यहाँ पे जेई मेन और IIT JEE दो है, जेई मेन का आपको मैं ओपन करके बताता हूँ। इसमें देखिए अब इसमें फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर्स ये सारे हैं, जैसे काइनेमेटिक्स का खोलिएगा सिलेबस लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स का। इसके बाद फिर आपका कॉन्सेप्ट्स है, ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स लिखे गए हैं, देन इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, राइट। देन इसके बाद फिर से एक्सेलरेशन और इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताई गई है ब्रीफली क्या कॉन्सेप्ट है, देन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। हमारा पूरा स्टडी मटेरियल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हमारी साइट पर जा करके आप इसे डाउनलोड कीजिए और इसका हेल्प लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं। देन इसके बाद हर एक जो भी चैप्टर है उसके अंदर हमें हर चैप्टर को इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, ब्रीफली कॉन्सेप्ट लिखी गई है, फिर उसके नीचे ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। एंड देन इसके बाद आगे देखिए आप इसी तरीके से देखिए मोशन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, फिर उसके नीचे प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके से पूरी चैप्टर को कवर अप किया सारे चैप्टर को। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे इनिशियल स्टेप एक्सरसाइज है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का एक्सरसाइज है जो कि आपकी जेई मेन में एडवांस में आता रहता है, राइट। ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ ये पूरा, जैसे इसमें आपके इनिशियल स्टेप में करीबन आप 15 क्वेश्चन, इसमें जो है 17 क्वेश्चन है, फिर फाइनल स्टेप एक्सरसाइज थोड़ा टफर लेवल के प्रॉब्लम जो जेई मेन में आते हैं, बट ये कंप्लीट जेई मेन को कवर अप अच्छे से करता है और इनफैक्ट जेई एडवांस की भी तैयारी आपको अच्छे से करा देगा ये पूरा स्टडी मटेरियल। फिर AI AAA analysis मतलब जेई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, ये 2007 तक हमने प्लेस कर रखा है। फिर टेस्ट योरसेल्फ, फिर 10-12 क्वेश्चन का टेस्ट आपको देना है, नीचे आंसर्स हैं। इसमें सॉल्यूशन कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, बट आपको पूरा ये एक स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप हेल्प लेकर तैयारी कर सकते हैं, इसका हेल्प लेकर के इस तरीके से हर चैप्टर का इनफैक्ट मैं आपको दिखा दूँ। देखिएगा आप यहाँ पे डायनामिक्स रोटेशन मोशन इस तरह से फिजिक्स के चैप्टर हो गए, फिर मैथ्स के चैप्टर भी साथ में आपको मिल जाएंगे, फिर केमिस्ट्री के भी चैप्टर मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको मिलेगा, ये सारे 2014-2015 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। फिर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर्स हैं, ये सारे टेस्ट पेपर्स हैं जिससे ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है, इसका हेल्प लेकर 6 टेस्ट पेपर्स हैं जिसका है, आप घर पे फुल टेस्ट आप दे सकते हैं, ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। एक तो ये बात है, फिर इसके बाद इसी तरीके से हमने आप लोगों के लिए IIT JEE के लिए भी ऐसा पूरा ही स्टडी मटेरियल डेवलप कर रखा है अपनी साइट पे, वहाँ पे जा करके देखिए फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेल्फ इवेल्युएशन टेस्ट देन फाइनल रिवीजन, तो इसका पूरा आप हेल्प ले सकते हैं सारे चैप्टर्स का। और साइट हमारी काफ़ी प्लेन साइट है, और जा करके स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कीजिए और उसका हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कीजिए, राइट। तो ये मेरा बताने का पर्पस ये था कि आप किस तरह से हमारे साइट को और हमारे जो एजुकेशनल चैनल है YouTube पे उसका यूज करके आप अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को हमारे वर्क के बारे में बताइए, हमारे काम के बारे में बताइए, लोगों को मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड होंगे तो उनके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन में आ जाएगा, उसका वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं
अगले कुछ सेशन में, जिसमें भी इसी तरह से हम लोग जेई मेन के ऊपर बात करते रहेंगे, जो कि आपका 2019 में आपका जनवरी के महीने में होने जा रहा है, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।